कभी देखा है ख्वाहिशों को आकाश में उड़ते, कभी किया है कुछ नया पहली बार, कभी जिया है बचपन सारी उम्र, कभी चाहा है ठहर जाए कुछ पल। भी आजमाना सोया, सेहत भरी खुशियों भरी। एक दिन पानी था तो जीवन हुआ, फिर दिल्ली बढ़ती गई और पानी घटने लगा। आज हालात नाजुक हैं पर हम लापरवाह। बिना जल ऐसा होगा कल, पानी अनमोल है, इसे पानी की तरह मत बहाइए, इसे पैसे की तरह बचाइए। A revolution that changed the face of biosciences. Empowering institutions. Nurturing individuals. Enabling industry. Improving society. Years journey of biotechnology, serving nation, serving humanity. राम राम लाला जी। ओ वीरपाल, बैठो बैठो। भाई वीरपाल, फसल तेरी उतनी अच्छी नहीं है जितना सुना था। क्या बात करते हैं लाला जी, खरा सोना है, जरा छू कर तो देखो। तू कहता है तो अच्छा ही होगा, बता क्या दाम दूं। लाला जी अब आपसे क्या कहना, जौहरी हो चीज देकर खुद कीमत लगा लो। कीमत? कीमत कहाँ है वीरपाल, बाजार में आजकल बड़ी मंदी है भाई। हाँ, तू है तो अच्छे दाम देने पड़ेंगे ना। ऐसा करते 1800 रुपये क्विंटल देता हूँ, बता कितना माल है सारा, निकाल चल। क्या लाला जी, इससे तो मेरी लागत भी वसूली नहीं होगी, 55 क्विंटल माल है और मैंने तो सुना है रेट 2000 से ऊपर का चल रहा है। अरे तुझे अच्छा भाव दे दूंगा तो खुद मैं क्या करूंगा, हैं? चल 1900 रुपये देता हूँ। एक बात और, आधे पैसे अभी दूंगा और आधे 2 महीने बाद, मंजूर है तो बोल। नहीं लाला जी, इस दाम पर मैं अपनी फसल नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेगा तो क्या करेगा, घर में कब तक रखेगा, दाम भी ऊपर नहीं जाने वाले। मेरी बात मान, जो मैं देता हूँ ले ले। नहीं लाला जी, खून पसीना एक करके इतनी अच्छी फसल तैयार की है मैंने, नहीं इस दाम पर बिल्कुल नहीं, माफ कीजिए मैं चलता हूँ।
छोटे से शहर रांची में पढ़ने वाली 14 साल की निशु कुमारी की नई इजाद को पूरी दुनिया कह रही है कूल। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। निशु कुमारी के छोटे से कदम भी अब दुनिया नापेंगे। निशु कुमारी हवा को ठंडा करने की अपनी तकनीक जापान में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सामने दिखाने जा रही है। वो लड़कियों की शिक्षा पर भी खास जोर देती हैं। आप भी मिलिए रांची की इस 14 साल की वैज्ञानिक से। कई बार ऐसा होता है कि जटिल से जटिल समस्या का आसान निदान निकल जाता है, वो भी अचानक। ये भी सच है कि ज्यादातर खोज बिना भारी भरकम संसाधन की मदद से किए गए हैं। ऐसी ही एक मिसाल है 14 साल की निशु कुमारी की खोज। निशु रांची के आदित्यपुर में एक झुग्गी में रहती है, फिर भी छोटी सी उम्र में ही उसने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो उसकी उम्र के बच्चों के लिए महज एक सपना होता है। लेकिन निशु ने साबित कर दिया है कि छोटी उम्र और संसाधन महत्वपूर्ण खोज के लिए मोहताज नहीं होते। निशु को उसकी खोज के प्रदर्शन के लिए अब जापान में आमंत्रित किया गया है। दरअसल निशु ने एक ऐसा कूलर इजाद किया है जो वायु ऊर्जा से चलता है, जबकि आमतौर पर कूलर चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। जाहिर है कि निशु का बनाया कूलर वैसे लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो बिजली की सुविधा से महरूम है। इस कूलर में घर की छत या किसी दूसरे ऊंचे स्थान पर टरबाइन लगा होता है। ये टरबाइन बांस से बने कूलर से जुड़ा होता है। इस कूलर के पंखे की गति टरबाइन की गति से जुड़ी होती है। सामान्य कूलर की तरह ये कूलर भी पानी की मदद से ठंडी हवा पहुंचाता है। निशु की खोज गर्मी के मौसम में उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जो गरीब तबके के हैं, जिनके घर में बिजली का अभाव है और कीमती कूलर खरीदना जिनके वश में नहीं है। अब निशु को उसकी खोज के लिए विज्ञान और तकनीकी विभाग से स्पॉन्सर मिल गया है जो जापान में होने वाले साकुरा एक्सचेंज कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। हालांकि अब तक निशु को उसकी खोज के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 8 अक्टूबर 2014 को दिल्ली में विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय ने प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें निशु को पुरस्कार मिला। अब इसी साल 9 मई को उसे जापान जाना है जहां सैकड़ों वैज्ञानिकों के सामने उसे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। ये कहानी गरीब तबके के एक मजदूर की बेटी की है जो अपनी प्रतिभा की बदौलत देश भर के युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी है। निशु ने साबित कर दिया है कि संसाधनों की कमी कल्पना की उड़ान और खोज के रास्ते में बाधा नहीं बन सकते। साइंस मॉनिटर निशु के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ग्रहण देखने के लिए किसी उपयुक्त फिल्टर का इस्तेमाल किया जाए जो सूर्य की किरणों की तीव्रता को इतना कम कर सके जिससे आंखों के लिए किसी किस्म का खतरा ना हो। आमतौर पर ऐसे फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए जो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता का केवल 10,000वां हिस्सा हमारी आंखों तक पहुंचने दे। पूर्ण ग्रहण की अवधि के दौरान सूर्य को बिना फिल्टर के देखा जा सकता है। खग्रास या पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि केवल सुरक्षित ही नहीं बहुत खूबसूरत भी होती है, पर उसके पहले और बाद में आंखों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। सूर्य को फिल्टर से भी लगातार 15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को देखने का सबसे सुरक्षित तरीका है उसे अप्रत्यक्ष रूप से देखना, यानी किसी भी प्रकार उसकी छवि किसी स्क्रीन पर अंकित करके फिर केवल छवि को देखना। सोलर रिफ्लेक्टर सूर्य ग्रहण को देखने का सबसे सहज माध्यम है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल लें, उसे बीच से काटकर उसमें कुछ पत्थर या मिट्टी भर दें ताकि वो थोड़ा भारी हो जाए। इसके बाद एक दर्पण का टुकड़ा लें और एक कागज की मदद से उसे गोलाकार आकृति दे दें। बाद में उसे गेंद पर चिपका दें। हो गया आपका सोलर रिफ्लेक्टर तैयार। आप इससे सूर्य की छवि
किसी भी दीवार पर अंकित कर ग्रहण दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा टेलीस्कोप है, उसको सूर्य की ओर करके उसके आईपीस के सामने सफेद कागज रखकर अच्छी व बड़ी छवि बनाई जा सकती है। किसी भी दशा में सूर्य को सीधे टेलीस्कोप या दूरबीन से ना देखें, तुरंत अंधे होने का खतरा है। National Institute of Fashion Technology has been a mecca for all kinds of creative talents which have been crafted and molded into finest of professionals. These professionals are a combination of thorough knowledge and enviable skill set and go on to add tremendous value to their respective industries. Home textile is a sector which has almost shown a growth similar to ours. 1996, when our first graduating batch was coming out, the number of participating Indian companies in Home Textile Frankfurt was about 204. Today, it's 370 odd companies. My bedroom collection has very soothing effect. The inspiration is early summer, spring has yellow, blues and greens in different shades. In a secure, exploratory and inviting environment, the Leap Years experience is designed for the all-round development of your child, to make your children grow into multidimensional people with life skills and learning habits that will make them confident, aware and prepared to succeed in today's competitive global world. Leap Years, it should be a platform where there's a world of opportunity for the child to choose whatever the child wants to excel in. Leap Years, one of its kind multi-activity center for creative growth, where children discover their creative self, come to grips with outdoors and sports, as in life, and surprise you with their unexplored talents. Leap Years really helps you to explore, discover and make informed choices for yourself. The global production of gherkin is estimated at close to 23 lakh metric tons per annum. Although the US produces almost 40% of the total global production, it accounts for 50% of consumption, which makes it the largest grower and importer of gherkins. As gherkin continues to tantalize the taste buds of more and more people in Western countries, the gherkin trade in India is expected to surge at a rapid pace. According to unofficial estimates, India exports about 35,000 to 40,000 tons of gherkin, with an export earning of around 250 crore rupees a year.
Export of gherkin from India is growing at a fast rate because of the price competitiveness enjoyed by India due to cheap labor and favorable climatic conditions. The gherkin industry in India is growing at a rate of 25 to 30%, and the total revenue is expected to touch 1,000 crores by the year 2010. Gherkin industry in India is primarily concentrated in three southern states of Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu.